हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 का एक प्री का एक इंग्लिश का पेपर। और ये पेपर 5/8/2017 को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। इसके 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस की मदद से आपको आइडिया लगेगा कि 2018 में किस तरीके के क्वेश्चन टीयर 1 और टीयर 2 में पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये प्री का पेपर है, 5/8/2017 का ये पेपर है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। ये डेमो क्लास है हमारी टारगेट बैच की और हमारा टारगेट बैच शुरू हो चुका है। 9 तारीख से उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं इंग्लिश और जीके के लिए। तो इन टारगेट बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये है स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन। और स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बेसिक्स पर आधारित होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है द टू मैन वर क्वारलिंग विथ वन अनदर। तो इसमें बहुत सिंपल सी मिस्टेक है कि टू मैन, दो लोगों के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, वन अनदर का नहीं। वन अनदर का हम प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए। अब इसमें एक चीज़ और देखिए आप कि इसमें कहाँ कहाँ पर गलती आपको मिल सकती है एसएससी एग्ज़ाम में। देखिए, यहाँ पर मैन की जगह एम ई एन मैन की जगह एम ए एन मैन हो सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि टू प्लूरल है इसलिए यहाँ पर एम ई एन मैन ही सही होगा। इसके साथ वर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ईच अदर आएगा, वन अनदर हम दो से ज़्यादा के लिए हम बोलते हैं। क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन, तो यहाँ पर यदि देयर की जगह आप हिज लिख देंगे या हर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप किसी भी स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस को करें तो हमेशा ये देखें कि उसको एनालाइज़ करें और ये देखें कि कहाँ कहाँ पर इसमें एरर एसएससी आपको दे सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर मैन की जगह एम ए एन हो सकता है, यहाँ पर देयर की जगह हिज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्लेमिंग की जगह क्लेम हो सकता है, ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है एक्चुअली ये, तो इसका यूज़ सही हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द टू मैन वर क्वारलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन, दो लोग आपस में लड़ रहे थे और क्लेम कर रहे थे कि ये जो वॉच है, ये जो घड़ी है, ये उनकी है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो एक्शन एक साथ होते हैं। तो इसमें क्वारलिंग भी हो रही है और क्लेमिंग भी हो रही है, वो लड़ाई लड़ते हुए क्लेम कर रहे हैं कि ये घड़ी मेरी है। तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। और बी में इसमें वन अनदर की जगह इसमें हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, ये है सेकंड क्वेश्चन, ये रियल क्वेश्चन है। 5/8/2017 को अगस्त में जो पेपर हुआ था उसके ये रियल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। एवरीबडी नोज दैट भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो एवरीबडी सिंगुलर है तो इसके साथ नोज यहाँ पर आएगा, तो ये पार्ट तो यहाँ पर सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट भूटान इज़ द मोस्ट से पहले हम द लगाते हैं तो ये सही है, लेकिन चूंकि इसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है और सुपरलेटिव डिग्री में हम अदर का प्रयोग नहीं करते, अदर का प्रयोग करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री में, तो इसलिए इसमें अदर का प्रयोग नहीं होगा, बाकी सब इसमें सही है। ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसमें अदर हम हटा देंगे। द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इस तरीके से हम बोलेंगे और सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट टू ब्रीद, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके लिए सांस लेना मुश्किल होता जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर में इसमें दो तीन चीजें आप देख लीजिए। इसमें दोनों तरफ जैसे यहां पर हायर है और यहां पर मोर है, दोनों तरफ ही मतलब कॉमा से पहले जो क्लॉज है, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, या आप मान सकते हैं कि एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो दोनों ही पार्ट में इसमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा और दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले इसमें दा का प्रयोग अनिवार्य रूप से होगा, ठीक है। तो इसमें कभी कभी ऐसी गलती भी आ जाती है कि यहाँ पर दा लगा हुआ है और यहाँ पर दा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें चूंकि ये वाला पार्ट जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, यहाँ पर क्लाइम लिखा हुआ है, तो इसलिए ये वाला पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर यू है तो इसलिए यू के साथ हमने क्लाइम लगाया, इसमें एस नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर इट जो है वो सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर आपका बिकम्स लगेगा, बिकम नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और ये टारगेट बैच की डिटेल है।
दो टारगेट बैच इंग्लिश एडवांटेज की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, एक है स्टार्टर के नाम से जो केवल टीयर वन के लिए है जीके और इंग्लिश का, इसका फीस है 1699 रुपये, और एक पूरा टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री तक के लिए है, इसको हम एडवांस बोलते हैं, और इसका जो फीस है वो 2699 रुपये है। इन दोनों ही टारगेट बैच के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से क्लिक करके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, आप पेटीएम के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा कॉल व्हाट्सएप एंड पेटीएम नंबर है, ये तीनों ही नंबर हैं, कॉल व्हाट्सएप एंड पेटीएम, तो इसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आप जो भी आप टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप भेज सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भेज दें और अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भेज दें, और तुरंत 10 मिनट के अंदर आपका टारगेट बैच जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। 9 तारीख से क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो क्लासेस आपकी निकल चुकी हैं उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं, और 15 जुलाई तक ही इन टारगेट बैच को आप ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि 15 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है रात के 10 बजे तक। चलिए आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। नेहा हैज़ बीन क्राइंग मॉर्निंग, तो हैज़ बीन और हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनके साथ हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम जब होता है, जैसे मॉर्निंग जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि एसएससी एग्ज़ाम में 80% जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी सिंपल होंगे और कंपटीशन आपका उन पर नहीं होगा, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन है वो हर कोई कर देगा। जो 20% क्वेश्चन है वो होंगे थोड़े से ट्रिकी और थोड़े से डिफ़िकल्ट। आपका जो कंपटीशन होगा, आपको जो जॉब मिलेगी, आपका जो सिलेक्शन होगा, आपको जो पोस्ट मिलेगी, वो इन 20 मार्क्स जो हैं, ये जो 20 क्वेश्चन है जो ट्रिकी हैं और डिफ़िकल्ट हैं, इनमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेस पर मिलेगी। क्योंकि 80 जो क्वेश्चंस हैं, सभी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, सभी स्टूडेंट कोचिंग लगाते हैं, सभी स्टूडेंट मेहनत करते हैं, तो कंपटीशन आपका यहाँ पर नहीं है। 80 क्वेश्चंस जो सरल वाले हैं उन पर नहीं है, जो कठिन वाले 80 क्वेश्चंस हैं उन पर आपका आपका जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। ये जैसे हम यहाँ पर, ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और कोई भी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को कर सकता है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन इसमें ट्रिकी अभी आएंगे और ये रियल क्वेश्चंस हैं। जैसे ऑपुलेंट का सिनोनिम पूछा है, तो बहुत सरल ये वर्ड है। ऑपुलेंट का अर्थ होता है रिच या वेल्दी, तो रिच यहाँ पर इसका सिनोनिम होगा। फेक का अर्थ होता है नकली, ग्लूमी का अर्थ होता है उदास, और सेल्फिश का अर्थ होता है स्वार्थी। ठीक है, तो रिच हो जाएगा यहाँ पर। मोरोज ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, इसका अर्थ होता है उदास, तो ग्लूमी इसका हो जाएगा आपका सिनोनिम। फ्लैटर का अर्थ होता है चापलूसी करना। सेवी का अर्थ होता है जैसे टेक्निकली सेवी, या कंप्यूटर से भी जैसे हम बोलते हैं, कंप्यूटर से भी मतलब वो कंप्यूटर की तरफ उसका झुकाव है या उसका उसका एक सेंस है उसमें कंप्यूटर का, तो यहाँ पर ग्लूमी इसका आपका सही सिनोनिम होगा। ये हैं आपके एंटोनिम इर्क। अब देखिए यहाँ पर इर्क का अर्थ होता है इरिटेट करना, लेकिन यहाँ पर आपको एंटोनिम लगाना है, तो इरिटेट आप नहीं करते किसी व्यक्ति को, तो आप करते हैं उसको प्लीज़ या खुश, तो इसलिए यहाँ पर आपका प्लीज़ जो होगा वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ग्रोटेस्क का अर्थ होता है थोड़ा अजीब सा, बड़ा फिजिकली बड़ा अजीब सा होता है, जिसका शेप एंड साइज, उसको हम बोलते हैं ग्रोटेस्क, तो प्लेट जो होगा वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्वीर का अर्थ भी अजीब होता है, क्वीर। देखिए एसएससी में इसी तरीके से पैटर्न आएगा, एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो दो करके पूछे जाएंगे, वैसे जैसे दो एरर दे दिए, फिर दो ईडियम दे दिए, फिर दो फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, फिर दो वन वर्ड दे दिए, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो होगा, जैसे यहाँ पर ईडियम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका पूरा आपका डायरेक्शन लिखा होगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन पेपर में आपके यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा आपका डायरेक्शन लिखा होगा, और उसके बाद दो क्वेश्चन दिए होंगे, उसके बाद फिर डायरेक्शन होगा और दो क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से एसएससी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भुखमरी से अपने आप को बचाना। ठीक है, अवॉइड स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का मतलब होता है स्टार्व करना, मतलब भूखा मरना। ठीक है, तो अवॉइड स्टार्वेशन इसको हम बोलते हैं टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ये इसका आंसर होगा। टीदिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? टीदिंग प्रॉब्लम देखिए, जिसमें कंफ्यूज करने के लिए ओरल प्रॉब्लम दिया है या प्रॉब्लम ऑफ हैविंग अ गुड डेंटिस्ट दिया है, लेकिन टीदिंग प्रॉब्लम एक्चुअली इंडिकेटिव है ये। जैसे एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें शुरुआत में उसके दांतों में दर्द होता है, टीदिंग प्रॉब्लम्स उनको हम बोलते हैं। तो प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट,
प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, ये इसका सही आंसर है, टीजिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम देखते हैं, शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी नॉर आई डिड। तो नॉर आई डिड को आपको रिप्लेस करना है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और इनको हम बोलते हैं शॉर्ट रिस्पॉन्सेस। ठीक है, शॉर्ट रिस्पॉन्सेज में हम नॉर लगाते हैं और नॉर चूंकि एक नेगेटिव वर्ड है इसलिए नॉर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। नॉर डिड आई इसका सही सब्जेक्ट, इसका सही आंसर होगा नॉर डिड आई, बाकी जो है ये सब गलत हैं। ठीक है, पहले नॉर आएगा फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। और यदि ये अफर्मेटिव होता ये सेंटेंस तो इसमें हम नॉर के स्थान पर सो लगाते, सो डू आई, सो डिड आई, इस तरीके से हम इसमें लगाते। तो चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हम नॉर लगाएंगे और नॉर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ताजमहल इज वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा। तो वर्थ को हम एक्चुअली आईएनजी फॉर्म से पहले लगाते हैं, अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग। ठीक है, वर्थ के बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं या आप ये मान सकते हैं कि आईएनजी से पहले वर्थ का प्रयोग होता है। वर्थ का मतलब होता है कि ये चीज़ देखने लायक है, वर्थ सीइंग मतलब देखने लायक है, वर्थ रीडिंग मतलब पढ़ने लायक है, वर्थ गोइंग मतलब जाने लायक है, वर्थ विजिटिंग मतलब वहाँ पर विजिट करने लायक है। इस तरीके से इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, तो इसमें वर्थ के बाद हम इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इसमें बी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल। ठीक है, हॉस्पिटेबल जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करता है, बहुत ज़्यादा उसको पसंद करता है, उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटेबल। इमोलेशन हम बोलते हैं अपने आप को सेक्रीफाइस करना, अपने आप को, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आत्मदाह, अपने आप को जला लेना या सेक्रीफाइस कर देना, अपनी बलि दे देना, उसको हम बोलते हैं इमोलेशन। इम्प्रेग्नेबल मतलब जिसको, जो वल्नरेबल नहीं है, जिस पर अटैक नहीं किया जा सकता, जो प्रोटेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, इनकॉलिजिबल। अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर, मतलब गलती किसी ने की और उसका आरोप किसी और के ऊपर लगा दिया गया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बलि का बकरा बना देना। तो इसका जो वन वर्ड होगा वो होगा स्केप गोट, इसको हम बोलते हैं। फ्लैगमेटिक क्या है, फ्लैगमेटिक होता है जैसे कोई इशू है और उसके बारे में वो पूरी तरीके से शांत है या इनडिफरेंट है या अनकंसर्न है, उसको हम बोलते हैं फ्लैगमेटिक। ठीक है, कैप्टर जिसने किसी व्यक्ति को कैप्चर कर लिया है, जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है, उसको हम बोलते हैं कैप्टर। बर्सर क्या होता है, बर्सर होता है जो, जैसे अकाउंटेंट होता है, जो स्कूल और कॉलेज में जो अकाउंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं बर्सर। अ पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ ए कॉलेज और स्कूल, इसको हम बोलते हैं बर्सर। ठीक है, तो ये रियल क्वेश्चन है, 2017 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, कभी कभी करेक्टली स्पेल्ट हुए हैं, कभी कभी इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड पूछते हैं। आपको एसएससी एक ही वर्ड भी दे सकता है और अलग अलग चार वर्ड भी दे सकता है, तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिए। कंसीव की स्पेलिंग सही है, लेजर की स्पेलिंग सही है, रेन की स्पेलिंग सही है। ये ई और आई वाले जो वर्ड होते हैं ये अक्सर एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आई ई देखिए इसमें आई ई, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पर ई आएगा, कहाँ पर आई आएगा। तो नीस जो होता है, जिसका अर्थ होता है भतीजी, नीस, तो नीस को आप नाइस से याद रख सकते हैं। नाइस में सबसे पहले क्या आता है, नाइस में सबसे पहले आई आता है। ठीक है, नीस जो होती है वो नाइस होती है। ठीक है, तो नाइस में आई आता है तो इसमें भी सबसे पहले आई आएगा। इस तरीके से इसको, एक न्यूमोनिक ट्रिक है, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं आप। लेकिन इसमें आई नहीं आया, इसमें ई पहले आया, इसलिए नीस जो वर्ड है ये जो है गलत है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। इसमें क्या वर्ड गलत है, टेंजिबल तो सही है, इसमें पेरिशेबल मतलब जो खराब हो सकता है, जो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इररिलीवेंट, वेंट में ए आता है तो ये भी सही है, डिक्शनरी में एक्चुअली ए आता है पर DICTION, यहाँ पर इसमें ए आएगा यहाँ पर, तो इसलिए ये स्पेलिंग गलत है और ए इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए ये है आपका पैराजंबल, इट हैड बीन अम्पटीन ईयर्स सिंस वी हैड सीन ईच अदर। ये देखिए पास्ट टू पास्ट में एक सेंटेंस चल रहा है कि हमें मिले हुए बहुत साल बीत चुके थे। हैड सीन आया है यहाँ पर, हैड बीन आया है, ठीक है। इट हैड बीन अम्पटीन ईयर्स सिंस वी हैड सीन ईच अदर, मतलब एक स्टोरी पास्ट में चल रही है और पास्ट में चलने वाली स्टोरी में उससे भी पहले की घटना यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। सपोज मैं स्टोरी सुना रहा हूँ पास्ट में, 2015 में मैं कोई स्टोरी सुना रहा था, ठीक है, और 2015 में जब स्टोरी सुना रहा था तो मैं 2010 की बात कर रहा था। तो ये उस तरीके से है, मतलब पास्ट टू पास्ट इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। इट हैड बीन अम्पटीन ईयर सिंस वी हैड सीन ईच अदर, मतलब हमको मिले हुए कई साल हो चुके थे। अब देखिए इसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत आप कर सकते हैं इसमें यहाँ से, वन डल डार्क डे, मतलब एक गहरी रात की बात है। जैसे हम कोई स्टोरी शुरू करते हैं, एक दिन की बात है या उस दिन की बात है, इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं किसी स्टोरी की। तो इसलिए यहाँ पर वन डल डार्क डे इन ऑटम, मतलब पतझड़ की एक रात थी और उसमें आई वॉज ट्रेवलिंग टू हॉर्स बैक थ्रू आ ड्रेरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि गांव में पतझड़ की एक रात थी और वहाँ पर मैं एक डरावने रास्ते से गुजर रहा था, ठीक है। ड्रेरी मतलब डरावना, स्ट्रेच मतलब एक रास्ता या टुकड़ा उसका। तो ये स्टूडेंट को कठिन इसलिए लगता है क्योंकि इसमें जो वोकेबलरी यूज़ की है इसे कठिन यूज़ की है, जैसे वन डल डार्क डे, ऑटम यूज़ हुआ है, ट्रेवलिंग यूज़ हुआ है, हॉर्सबैक यूज़ हुआ है, थ्रू यूज़ हुआ है, ड्रेरी यूज़ हुआ है, स्ट्रेच यूज़ हुआ है। तो एक सेंटेंस को थोड़ा सी टफ वोकेबलरी डाल के उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो वन डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्सबैक, हॉर्सबैक पर घोड़े पर मैं बैठा हुआ था और एक डरावने रास्ते पर जा रहा था। तो इसके बाद अब क्या आएगा, जब मैं जा रहा था तो कहीं पर मैं रुकूंगा, ठीक है। तो इसलिए इसके बाद ये वाला सेंटेंस आप लॉजिकली ले सकते हैं, एट नाइट फॉल जब रात हो गई आई केम इन साइड ऑफ द हाउस ऑफ अशर, ठीक है। जब रात हो गई तो मैं वहाँ से निकल के किसी के घर में आ गया, अपने फ्रेंड के घर में आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और इसके बाद आप बोल सकते हैं, देखिए जब आप घर में घुसे तो उसके बाद उसका नाम बता रहे हैं, दिस वाज द हाउस ऑफ रॉड्रिक अशर हु हैड बीन माय चाइल्डहुड पाल। ये जो घर था ये अशर का घर था, रॉड्रिक का घर था, जो मेरा चाइल्डहुड पाल था, मेरा बचपन का दोस्त था। तो यहाँ पर आ जाएगा ये तीसरा, और उसके बाद आप ले सकते हैं ये वाला सेंटेंस, और उससे मिले हुए मुझे कई साल बीत चुके थे। हालांकि ये पैराजंबल एक नए स्टूडेंट के लिए, जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, उसको निश्चित रूप से ये सेंटेंस काफ़ी कठिन लगेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है, इसको लॉजिकली आपको कनेक्ट करना होता है। पैराजंबल जो टेस्ट है वो लॉजिक का टेस्ट है, ना कि वोकेबलरी या ग्रामर का टेस्ट। ये ग्रामर या वोकेबलरी का टेस्ट नहीं होता, ये आपके लॉजिक का टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, क्यू एस आर पी, ये आपका सीक्वेंस इसमें बिल्कुल सही बने। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका सी। देखिए ये भी पैराजंबल थोड़ा सा टफ दे दिया है, ये 2017 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये पैराजंबल भी निश्चित रूप से काफ़ी टफ है। आप इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, पैराजंबल की ट्रिक्स मैं अपने ई कोर्सेज में बहुत डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से बहुत आसानी से आप कठिन से कठिन पैराजंबल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है इसको यदि आप पूरा पढ़ें, अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स बिटवीन 1942 एंड 1944 देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 400 विक्टिम ऑफ दिस प्रैक्टिस। दिस प्रैक्टिस मतलब इस तरह की प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस क्या है, दिस क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन को बताने के लिए पहले इसमें नाउन आना चाहिए। जैसे यदि मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं तो पहले मैं अपना नाम बताऊंगा, उसके बाद मैं अपने बारे में कुछ बोलूंगा, या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में मैं बोल रहा हूं तो पहले मैं राम बोलूंगा उसके बाद मैं ही बोलूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने पहले ही बोल दिया उसके बाद राम बोला, ठीक है। तो नाउन हमेशा पहले आती है, प्रोनाउन हमेशा बाद में आता है। चूंकि इसमें दिस दिया हुआ है तो पी जो सेंटेंस है ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता, क्योंकि दिस जो है ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो एक तो ये टैक्टिक है इसकी, और नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इन ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज टू राउंड अप रैंडम सिविलियंस ऑन द स्ट्रीट ऑफ पॉलिश सिटीज।
मतलब इसमें हम ये बता रहे हैं कि जर्मनी ने पोलैंड कंट्री के ऊपर कब्जा कर लिया था, और वहाँ पर वो रैंडम सिविलियंस को इकट्ठा करके उनकी उनको वो ट्रीट करते थे, राउंड अप मतलब इकट्ठा कर लेते थे उनको वो। तो अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस के लिए ही यहाँ पर ये दिस का प्रयोग हुआ है, यानी इसमें ये सेंटेंस जो है ये फर्स्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाले सेंटेंस हमेशा बाद में आते हैं, तो ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं बन सकता। इसमें एक टर्म बताया है तो टर्म वाला सेंटेंस बाद में आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्यू के साथ, अब देखिए यहां पर ये लिखा है, यहां पर हम बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट बिटवीन 1942 एंड 1944 देयर वर अप्रोक्सीमेटली 400 विक्टिम्स ऑफ दिस प्रैक्टिस, ठीक है। यहां पर हमने एक स्टेटमेंट दिया है और यहां पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है, यानी पी और आर आपस में एक मैंडेटरी पेयर इसमें बना रहे हैं। जब पी और आर मैंडेटरी पेयर बना रहे हैं तो क्यू और एस पहले जुड़ जाएंगे, तो क्यू एस पी आर आपका इसमें कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसको थोड़ा सा एक दो बार आप और देखें, इसको आप पढ़ें, समझने की कोशिश करें, ये थोड़ा सा टफ है और ये 2017 में ये पूछा गया है। देखिए यहां पर ये वॉइस का एक सेंटेंस दिया है, एन एलिफेंट मे बी हेल्प इवन बाय एन एंट। देखिए जब इसका क्वेश्चन आएगा वॉइस का, तो इसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एक्टिव टू पैसिव आपको चेंज करना है या पैसिव टू एक्टिव, आपको सीधा दिया रहेगा कि चेंज द वॉइस। अब आपको देखना है कि पैसिव है तो एक्टिव में चेंज करना है, और एक्टिव है तो पैसिव में चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पर बाय एलिमेंट दिया हुआ है, बाय एन एंट, तो इसलिए ये निश्चित रूप से पैसिव है। पैसिव की एक निशानी और है कि पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इज एम आर और बी का प्रयोग करते हैं, इसके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर लगी है, बाय भी लगा है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस को आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो एक्टिव वॉइस का जो मे होता है वो पैसिव वॉइस में मे बी हो जाता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस का जो मे बी होगा वो एक्टिव वॉइस में जाके क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा, इसमें कैन नहीं आएगा और मे के अलावा कोई दूसरी वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो कैन वाला सेंटेंस ये नहीं होगा, आउट वाला सेंटेंस ये नहीं होगा, मतलब ये दोनों जो सेंटेंस है ये निश्चित रूप से गलत हैं। अब इन दोनों में मे है तो इन दोनों में से आपको निकालना है। अब इवन जो वर्ड होता है, जिस वर्ड के साथ ये लगता है उस वर्ड को ही ये क्वालिफाई करता है। यहाँ पर चूंकि एंड से पहले लगा है तो यहाँ पर भी ये एंड से पहले ही लगेगा, यहाँ पर हेल्प से पहले लगा है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। इवन एन एंट मे हेल्प एन एलिफेंट, इसका सही आंसर होगा आपका सी। इसकी प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी जरूरत है। और ये है आपका नरेशन, प्लीज डू नॉट क्राई ही सेड, उसने कहा कि प्लीज डू नॉट क्राई। तो चूंकि प्लीज वर्ड आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर हम बैग वर्ड को ले सकते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, जैसे डायरेक्ट नरेशन में प्लीज़ का प्रयोग हुआ है, तो इनडायरेक्ट में कभी भी हम प्लीज़ का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। टोल्ड का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट होगा जैसे ही सेड टू मी, तब हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड का प्रयोग नहीं होगा। इसमें निगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए इसमें हम बोलते हैं ही बैग्ड मी नॉट टू क्राई, चूंकि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, टू प्लस वी वन लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम नॉट टू प्लस वी वन लगाएंगे, नॉट टू प्लस वी वन, इसका आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्लोज टेस्ट है और इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। द ऑफ लेक्चर कुड बी इनहेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद ए ब्रीफ रिव्यू, इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि लेक्चर को हम किस तरीके से इन्हेंस करते हैं। जब हम किसी चीज़ को इन्हेंस करते हैं तो उसका उसकी किस चीज़ को बढ़ाते हैं, ठीक है। लेक्चर की क्या चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं, लेक्चर की कंडीशन नहीं होती, लेक्चर की एफिशिएंसी नहीं होती, लेक्चर की इफेक्टिवनेस को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर कुड बी इन्हेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क, और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद यहाँ पर आएगा इट शुड ऑल्सो बी ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब लेक्चर की इफेक्टिवनेस को हम बढ़ा सकते हैं उसका रिव्यू करके जो उससे पहले होने वाला है, लेक्चर्स के पहले जो हम तैयारी करते हैं
उसका ब्रीफ रिव्यू करके हम लेक्चर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा आपका प्रीसीडिंग, रिव्यू ऑफ द वर्क प्रीसीडिंग, मतलब वर्क जो है वो पहले आएगा लेक्चर से, इसलिए यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा प्रीसीडिंग। इट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड हाउ द डेज लेक्चर, हाउ द डेज लेक्चर, अब यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस चाहिए। देखिए इन फिट जो है वो इनटू के साथ जाता है, वैसे तो गेट भी जाता है, एट फिट जो तो फिट जो वर्ड है जो ज़्यादा सही है यहाँ पर, फिट इनटू, हाउ द डेज लेक्चर फिट्स इनटू द कोर्स पैटर्न, अ लेक्चर शुड बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स। लेक्चर में लेक्चर कभी भी एक ही बार में नहीं होना चाहिए, जैसे एक बार आपने कोई किताब की तरह जैसे रट लेते हैं और उसको बोलते चले गए आप, उस तरीके से नहीं होना चाहिए डिस्कोर्स, वो एक इंटरेस्टिंग तरीके से होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आ जाएगा आपका, एक नेगेटिव वर्ड आपको चाहिए, अ लेक्चर शुड, यहाँ पर आ जाएगा आपका सेल्डम, शुड सेल्डम बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स अनलेस एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग, अ लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेन्स, मतलब जो लंबा लेक्चर होता है वो थका देता है, ए लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेन्स द ऑफ ए कंसंट्रेटेड लिसनिंग। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है आपका कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी जो होती है कंसंट्रेटेड लिसनिंग की उसको वो स्ट्रेन कर देता है, कॉजिंग इंटरमिटेंट वॉन्डरिंग ऑफ अटेंशन एंड लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन थॉट। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कैपेसिटी। तो ये थोड़ा सा आप टफ मान सकते हैं प्री के हिसाब से, और बाकी ये तो सही है, लेकिन ये पैराजंबल थोड़े से टफ मान सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप आसानी से 90% मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ कि 90% यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो इंग्लिश में 90% और जीके में मैं बता रहा हूँ आपको 85-90%, क्योंकि जीके जो है थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल रहती है, तो इतना आप आसानी से इसमें अचीव कर सकते हैं इंग्लिश में 90% टीयर वन में भी और टीयर टू में भी, और जीके में टीयर वन में 85-90% आसानी से स्कोर किया जा सकता है। तो ये एक डेमो क्लास थी हमारे टारगेट बैच की, इस तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा टारगेट बैच में, और यदि आप हमारा टारगेट बैच टीयर वन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं या पूरा फुल कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 जुलाई से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और यहाँ पर मेरा नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, इसके थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।